हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट। इंस्टाग्राम पर कॉर्ड सेट इतना ज़्यादा ट्रेंड में है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसको कैसे आसान तरीके से बनाएं वो मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगी। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से आज हम कॉर्ड सेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये प्रिंटेड करी फैब्रिक लिया है, बहुत ही प्यारे से फ्लावर प्रिंट का मैंने फैब्रिक लिया। आप कॉटन, रियोन, जो फैब्रिक आपको पसंद हो, जो आप कंफर्ट हो वो फैब्रिक आप ले। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा 3.5 मीटर लिया है, जिसमें से शर्ट और पैंट दोनों ही तैयार करेंगे। 2 मीटर से भी कम फैब्रिक में हमारी शर्ट तैयार हो जाएंगी। कपड़े का जो पन्ना था वो 60 इंच का था। कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा और इसमें से हम शर्ट पार्ट के लिए कट कर लेंगे और बाकी के में से स्लीव्स और पैंट कट करनी है। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखा है। खुला वाला हिस्सा यानी कि ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। कपड़े की विड्थ यहाँ पर 19 इंच है और लेंथ यहाँ पर 37 इंच है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को 4 फोल्ड तो कर लिया, अब यहाँ पर फोल्डेड साइड से 7 इंच में मार्क करेंगे तीरा यानी के शोल्डर के लिए। आर्मोल की लेंथ यहाँ पर 7 इंच लेंगे, जितना तीरा लिया है उतनी ही आर्मोल की लेंथ लेंगे और इस तरह निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम 9.5 इंच यानी के 9.5 इंच पर चेस्ट की फिटिंग का लगाएंगे और 1.5 इंच का रखेंगे मार्जिन। अब यहाँ से नीचे की साइड 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमें चेस्ट और फिटिंग का निशान लगा लिया, मार्जिन यहाँ पर हम 1.5 इंच का लगाएंगे और इन दोनों निशान को मिला लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने चेस्ट और वेस्ट का निशान लगाया यानी कि कमर की फिटिंग का। अब कमर वाले निशान को नीचे की तरफ मिलाएंगे। यहाँ पर हमें हिप के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेस्ट और कमर का मेजरमेंट चाहिए। तो हमें ये देखिए, यहाँ से मेजरिंग टेप को रखना है और नीचे की साइड इस तरह ए लाइन शेप में हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मेजरिंग टेप को इस तरह रखेंगे ए शेप में यानी कि इस तरह तिरछा रखते हुए कमर के निशान से नीचे की तरफ मिलाएंगे और मार्जिन का निशान भी यहाँ पर मैंने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड से आप चाहें तो सीधा रख लें या फिर आप, जैसे मैं यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा रही हूँ 5 इंच पर, और इसको इस तरीके से गोलाई दूंगी। इससे कॉर्ड सेट का लुक बहुत अच्छा आएगा नीचे की साइड से, तो मैंने इस तरीके से गोलाई दी। अब यहाँ पर हमारी नीचे की कंप्लीट है। अब ऊपर आर्मोज पर 1.5 इंच तक हम निशान लगाएंगे और बैक आर्मोज को गोलाई दें। तो 1.5 इंच की दूरी से बैक आर्मोज को गोलाई दी और आगे से 1/2 इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोज को गोलाई देंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को 1/2 इंच का डाउन देंगे। मार्किंग यहाँ पर हमने कर ली, अब इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कटिंग करने के लिए चेस्ट की फिटिंग का मेजरमेंट चाहिए, कमर की फिटिंग का यहाँ पर हमने लिया और अपने कॉर्ड सेट की लेंथ का पता होना चाहिए। तो इस 3 मेजरमेंट से यहाँ पर हमने देखो अपने कॉर्ड सेट की कटिंग की। अब यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। अब एक पार्ट अलग रखेंगे यानी कि हमारा पीछे वाला पार्ट होगा, बैक पार्ट, इसको अलग रख लेना है, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, इसको हम बिल्कुल बराबर मिलाकर इस तरह रखेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के आर्मोज की जो निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच शोल्डर का डाउन देंगे। इस तरह हमने कटिंग की। अब इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे, जो फ्रंट का पार्ट होगा वो 2 पैनल्स में कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉर्ड सेट फ्रंट टॉपर बना रहे हैं। तो सेंटर से कट किया, ये देखें इस तरीके से सेंटर से कट हो जाएगा, तो फ्रंट के हमारे 2 पैनल्स होंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का, 3 इंच पर, और गले की जो गहराई यानी कि डिपनेस होंगी वो भी 3 इंच लेंगे और इस तरह गोलाई देकर हम कटिंग कर लेंगे। 3 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की गहराई लेते हुए गोलाई देकर कटिंग कर लेनी है। अब देखें, यहाँ पर हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स कट हो गए, फ्रंट और बैक दोनों ही यहाँ पर हमने कट कर लिए। अब जो फैब्रिक साइड से बचा था शर्ट पार्ट के, उसके फैब्रिक में से हमें क्या करना है, फैब्रिक को 4 फोल्डेड करके रखेंगे। विड्थ यहाँ पर मैं इसकी 10 इंच ले रही हूँ और लेंथ 20 इंच लेकर फैब्रिक इतना हम अलग कर लेंगे। तो इसमें से हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे, ठीक है। अब ये जो बचा है इसमें से हमें अपनी पैंट बनानी है। अब जो हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाला है इसको मैंने 4 फोल्डेड करके रखा है। फैब्रिक की यहाँ पर हम जितनी विड्थ लेंगे उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, ऊपर से 2.5 इंचेस पर लूंगी और स्लीव्स के आर्मोज को इस तरीके से शेप दूंगी। तो यहाँ पर आप 2.5 इंच का निशान लगाएं और स्लीव को ऊपर की साइड से शेप दें। अब यहाँ पर हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से मोहरी पर हम उतना ही लेंगे जितना कि हमने ऊपर आर्मोज के यहाँ से चौड़ाई ली है। अब इसको इस तरीके से हल्की सी गोलाई वाली शेप देते हुए हम यहाँ पर निशान लगाने, क्योंकि यहाँ पर हम कफ वाली बलून स्लीव्स बना रहे हैं तो बहुत ही प्रिटी इनका लुक आता है कॉर्ड सेट में। तो देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली, बहुत सिंपल कटिंग है।
जब हमने अपने शर्ट पार्ट की कटिंग की थी कॉट साइड की, तो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था, ये देखिए आर्मोल्स की साइड से। अब इस फैब्रिक को लेंगे और इसमें से स्लीव्स के आगे जो हमें कफ लगाने हैं उसके लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को पहले सीधा किया। अब यहाँ से कपड़े की जो लंबाई होगी वो मैं 3 इंच लूँगी, 3 इंच पर मार्क करूँगी, और इसकी विड्थ यहाँ पर मैं 14 इंच लूँगी। ठीक है, 14 इंच विड्थ और 3 इंच लेंथ से हम यहाँ पर फैब्रिक की दो इस तरीके से स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर ली। अब ये होंगी हमारे स्लीव्स के आगे कफ बनकर तैयार होंगे, और स्लीव्स पर आगे की साइड हम गैदरिंग के साथ बहुत ही प्यारा सा बलून स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक यहाँ पर हमारे कट हो गए और स्लीव्स भी यहाँ पर हमने कट कर ली। तो इस तरीके से कटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट है। फ्रंट पार्ट हमारा इस तरीके से 2 पार्ट में है। स्लीव्स के हमने नीचे का कफ भी कट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैक पार्ट को अलग रख देंगे और यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को भी अलग रख लेना है। स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट पार्ट से। तो बैक पार्ट और स्लीव्स को आपको अलग रख दें और अपना फ्रंट पार्ट लें। ये देखें, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब आगे से जो ओपन वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम इसको तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक स्ट्रिप पर, एक पट्टी पर, 3 इंच चौड़ी पट्टी पर 1 इंच चौड़ा कैनवास यानी कि पेस्टिंग वाली जो बुकरम होती है उसको पेस्ट किया है। अब इस पूरी स्ट्रिप को हम यहाँ पर देखिए फ्रंट वाले हिस्से पर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब 3 इंच चौड़ी पट्टी, दूसरी पट्टी ली है, उस पर भी मैंने 1 इंच चौड़े कैनवास यानी कि बुकरम को पेस्ट किया है और इसको नीचे की तरफ रखकर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारे कॉट सेट की काज पट्टी और बटन पट्टी बनकर तैयार होंगी। तो देखें यहाँ पर हमने इस तरह रखा। अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। पीछे की तरफ हमें अपनी इस पट्टी को रखना है, स्ट्रिप को रखते हुए हमें इस पर नीचे तक सिलाई लगानी है। एकदम सिंपली आपको इस तरह रखना है, कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने ऐसे सीधी सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा जो धागे होंगे उनको कट कर लेंगे। अब जो ये मार्जिन है इसको अंदर की तरफ करेंगे, ये देखिए अंदर की साइड करेंगे, और उसके बाद देन हम इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से टर्न करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी कोट साइड की बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर हमारा कोट साइड आगे की साइड से तैयार हो जाएगा जो हमने फ्रंट ओपन रखा है। तो इस तरह हम यहाँ से इसको फिनिशिंग देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा ये तैयार है। नेक की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने उसकी कटिंग कर ली है, और इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया। तो देखिए दोनों की काच पट्टी और हमारी बटन पट्टी वाली स्ट्रिप बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम इनको हटाएंगे और जो बैक पार्ट था उसको लेंगे, उसको यहाँ पर हम खोल कर रखेंगे। इसको ओपन करके रखना है हमें, यहाँ पर खोल के इस तरह बिछा लेना, फैला लेना। ये देखिए अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे कि सीधा वाला हिस्सा एक दूसरे को बिल्कुल बराबर फेस करते हुए हो। यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्ट रखा फ्रंट का। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे, उसको दूसरी साइड रखेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल बराबर यहाँ पर हम मिलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल बराबर मिलाकर सेट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों ही शोल्डर पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हम अपने कॉट सेट का नेक तैयार करेंगे। अब नेक का मेजरमेंट लेने के लिए हमें क्या करना है, मेजरिंग टेप को यहाँ से बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। बराबर मिलाकर इस तरीके से नेक की जो विड्थ होंगी उसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 18 इंच आ रही है, गले की चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच है, यानी कि 18 इंच हमारी नेक की विड्थ आई है। अब यहाँ पर मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम को फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ यहाँ पर 2.5 इंच है यानी कि 2.5 इंच, और विड्थ इसकी 10 इंच है। अब 18 का हाफ करेंगे तो आएगा 9 इंच। अब यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे, और आगे की साइड मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है बुकरम की विड्थ। ये देखें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, और जहाँ पर हमने 9 इंच का निशान लगाया है इस निशान को यहाँ पर तिरछा मिला लेंगे। इस तरह मिलाने के बाद नीचे की साइड हमें 1/2 इंच से इस तरीके से गोलाई देंगे। 1/2 इंच की दूरी से हमें यहाँ पर गोलाई देनी है। ऐसी ही फोल्डेड साइड पर हम 1/2 इंच की दूरी से ऐसे गोलाई देंगे। बिल्कुल तिरछा निशान नहीं लगाना, हल्का सा गोलाई में आपको निशान लगाए। तो मार्किंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट है। अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है कॉलर कट करने का। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हम फैब्रिक लेंगे और इस पर हम आयरन से पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे फैब्रिक है, इस पर रखूँगी और आयरन से पेस्ट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है, और इसी के बराबर का मैंने एक फैब्रिक कट किया। इसके चारों तरफ मैंने
आधे इंच का मार्जिन रखा है। अब नीचे की तरफ से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। ये देखिए आधे इंच का जो मार्जिन मैंने रखा है, नीचे की तरफ से इसको इस तरह ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड कर कर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और इसी के बराबर का मैंने एक और फैब्रिक कट किया था, उसके ऊपर इसको रखेंगे और इसके तीनों साइड पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से सिलाई लगाना हम इस पर स्टार्ट करेंगे और हम दूसरी साइड लाकर हम इसको सिलाई को रोक देंगे। कॉलर के तीन साइड पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर हम इस तरह कट लगाएंगे और जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन का फैब्रिक रखते हुए हमें कट लगाने हैं और उसके बाद इसको सीधी साइड पर टर्न कर लेंगे। कॉर्नर्स को बाहर की साइड निकालेंगे और इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉलर तैयार है। अब इस कॉलर को हम अपने इस पर अटैच करेंगे, कॉर्सेट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधी साइड पर रखेंगे और नेक पर बराबर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखो सीधी तरफ मैंने इसको रखा है कॉलर को और यहाँ पर हम एक पैर की दूरी से इस पर सिलाई लगाएंगे और आगे से बिल्कुल बराबर मिला होना चाहिए। आगे पीछे होगा तो कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएंगी, तो बिल्कुल बराबर मिला के सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर शोल्डर पर एक कट लगाएंगे, छोटा सा कट लगाना है। कट लगाने से कॉलर में और कंधे में कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। अगर आप कट नहीं लगाते हो तो उससे खिंचाव आता है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही शोल्डर पर नेक की साइड पर छोटा सा कट लगाऊंगी, ज़्यादा गहरा नहीं लगाना, छोटा सा कट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो देखें यहाँ पर हमें बिल्कुल एक साइड से स्टिच किया और दूसरी साइड तक हमने कॉलर को अटैच कर लिया। तो नेक पर यहाँ पर हमारा अटैच हो गया। अब जो ये मार्जिन है इसको अंदर की तरफ करेंगे। देखिए अंदर की साइड हमें करना है और इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को अंदर की साइड करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है पूरे पर। ऐसे ही हम कॉलर पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक साइड से स्टिच किया और हम दूसरी साइड तक स्टिच करेंगे इसको और यहाँ से घुमा लेंगे और कॉलर के चारों तरफ हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हम इस पर सिलाई लगाकर कॉलर तैयार कर लेंगे। तो देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ और एकदम आसान तरीके से हमारा कॉलर तैयार है। कॉलर हमने तैयार कर लिया। अब इस पर दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने यहाँ पर मार्किंग की थी। अब इस पर नीचे की साइड से डबल फोल्ड कर कर साथ ही हम इसको फिनिशिंग देंगे। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली है और नीचे की साइड से इसको मैंने फिनिशिंग दे दी है। बिल्कुल बारीक बारीक आपको फोल्ड करना है और उस पर आप सिलाई लगा लें। तो उस तरीके से नीचे की साइड से फिनिशिंग दी। अब यहाँ पर हम इसके स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स तैयार करनी है। स्लीव्स पर लगाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम ली है जिसकी लंबाई 1 इंच है और चौड़ाई हम यहाँ पर 14 इंच रखी है। अब इन स्ट्रिप पर यहाँ पर हमें इनको रखना है और रख कर हम आयरन से पेस्ट कर लेंगे। नीचे की साइड आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया और मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए मैंने आयरन से इसको सेट कर लिया। तो यहाँ पर आप चाहें तो 1 की जगह 2 इंच चौड़े भी कफ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई रखी है कफ की। अब देखिए हमें स्लीव्स के आगे की साइड एक लंबी चाल से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो सुई से भी यहाँ पर जिस तरीके से मैं गैदरिंग करूँगी आप सुई से कर सकते हो। मैंने पहले लंबी चाल से सिलाई लगाई और उसके बाद एक धागे को खींचते हुए एक धागा आपको खींचना और इस तरीके से गैदर्स हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने गैदरिंग कर ली। अब यहाँ पर अब इसको लेंगे कफ जो हमने तैयार किया है और इसके नीचे की साइड रखेंगे स्लीव की और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको सीधी तरफ इस तरह पलट कर एक और सिलाई लगा कर अपनी स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कफ तैयार कर लिया, इस पर फिटिंग की सिलाई लगा ली सिंपली। अब यहाँ पर हम इनको अपने कॉर्ड सेट पर दोनों साइड अटैच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को दूसरी साइड अटैच करने से नॉर्मली हम कुर्ती पर अटैच करते हैं बिल्कुल सेम, इसी तरीके से यहाँ पर अपनी स्लीव्स को अटैच कर लेना है और इस पर काज बटन तक कर तैयार करेंगे। ये जो हमने काज बटन की पट्टी तैयार की है उस पर हम काज बटन कर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने स्लीव दोनों अटैच कर ली हैं और यहाँ पर मैंने काज और बटन कर इस पर तैयार किए हैं और इस तरह हमारा ये कॉर्ड सेट तैयार है। इसके साथ मैंने यहाँ पर तैयार की है स्ट्रेट पैंट। पैंट की कटिंग स्टिचिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने ये पॉकेट के साथ पैंट को तैयार किया है। इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें
और वेयर करने के बाद इसका लुक बिल्कुल इस तरीके से आएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रेसेस डिज़ाइन के आइडिया मिलेंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने लिए आप भी ट्रेंडी इंस्टाग्राम कॉर्ड सेट बनाकर तैयार करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।